हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थी दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब बातों पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु तू अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तू शुरुआत से था प्रभु, और तू प्रभु तू ही अंत है प्रभु, तू ही शुरुआत है प्रभु, तू ही अंत है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम के लिए प्रभु। तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं, उस नाम को आदर सम्मान अपने जीवन से देते हैं, क्योंकि आदर के योग्य परमेश्वर आप है मेरे खुदा, आदर के योग्य आप है यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर, जो प्रेमी है, जो दया से भरा है, जो सामर्थ से भरा है। हालेलुया, वी प्रेज यू फादर, वी एडोर योर नेम लॉर्ड जीसस। हम तेरे नाम को सराहते हैं प्रभु, वो सराहनीय नाम को परमेश्वर प्रभु, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर, अपने जीवन से, अपने हृदय से पिता परमेश्वर, हम तुझे महिमा देते हैं, तुझे सराहते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की इस प्रेयर में मेरे परमेश्वर पिता, आज की इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता, मेरे खुदा अपने लोगों को पिता प्रभु आप तैयार करे परमेश्वर पिता, उनके हृदय को तैयार करे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज हर एक के हृदय को तैयार करे प्रभु प्रेज करने के लिए प्रभु, हर एक के मन को तैयार करे धन्यवाद देने के लिए, हर एक के मन को तैयार करे परमेश्वर प्रभु तुझे महिमा देने के लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु कि तू जीवन दाता परमेश्वर है प्रभु, तू जीवन को देता है प्रभु, और हम सब प्रभु वो लोग हैं प्रभु जिन्हें तूने चुना, बुलाया और जीवन जिन्हें तूने दिया परमेश्वर पिता। अंधकार से प्रभु ज्योति में प्रभु तू हमें लेकर आया परमेश्वर, इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक को तैयार कीजिए परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर आज आप कार्य करें पिता परमेश्वर प्रभु। आज इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु अद्भुत आप करें परमेश्वर पिता, जिस भी आज वो समस्या में आए हैं प्रभु, आज दुखों में है पिता परमेश्वर, बीमारियों में है मेरे परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, आज ये तेरे आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख सके। आज परमेश्वर प्रभु इन्हें रिसीव करने वाला हृदय दे प्रभु, आज प्रभु जिस भी हालातों में ये है पिता, इन्हें हालात प्रभु इनके बदलने पाए परमेश्वर पिता, इन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु यीशु मसीह इनकी सहायता करे प्रभु, हर एक को तैयार करे परमेश्वर के तेरी भलाइयों को अपने जीवन में ले सके, तैयार करे प्रभु की आपकी चंगाई को अपने जीवन में लेकर जा सके, समस्या में तो आए परंतु सल्यूशन को लेकर जा सके पिता। हाँ प्रभु, तेरे अद्भुत कार्य को अपने जीवन में ये देख सके प्रभु, तेरे प्रेम के स्वाद को चख सके परमेश्वर पिता, कि तू प्रेम ही है प्रभु, और जो तुझसे प्रेम रखता है पिता, तेरा वचन कहता है कि तू उन्हें जीवन का मुकुट देता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, तेरे पास प्रभु हम सब के लिए प्रीशियस रिवॉर्ड है परमेश्वर, एक ग्रेट रिवॉर्ड प्रभु तेरे पास है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु गिफ्ट प्रभु आपके पास हम सब के लिए है प्रभु, वो जीवन, वो स्वर्ग प्रभु तूने हमारे लिए ठहराया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में प्रभु आपके कार्यों को देखे मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु यीशु मसीह वो आपकी भलाइयों को देखे परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह इनके हृदय में कार्य होने पाए, यदि आज ये बीमार है तो प्रभु आज ये चंगाई को रिसीव करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करके प्रभु आप जितने भाई बहनों के लिए प्रार्थना की जाए प्रभु, और वो जब इस प्रार्थना के भागी बने हैं प्रभु यीशु, आप उनके लिए कार्य करें यीशु, आप उनके लिए अद्भुत करें पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप उनके हालात को हमसे बेहतर जानते प्रभु। आज हम सबके हृदयों को तैयार करें प्रभु, जब मैं यहाँ से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तो प्यारे यीशु आप प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य करें प्रभु, क्योंकि तू अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है प्यारे परमेश्वर प्रभु, तूने प्रभु हम सबको धर्मी ठहराया प्रभु, प्रभु उस पाप लहू से धोकर तूने हमें प्रभु पाप ठहराया प्रभु, पवित्र धर्मी ठहराया प्रभु, क्योंकि तेरा लहू प्रभु जब हमें धोता है प्रभु, तो हम पाक साफ हो जाते प्रभु यीशु मसीह। आज परमेश्वर प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, आज परमेश्वर प्रभु अपने लोगों के जीवन में कार्य करना प्रभु, इनके दुख को, समस्या को, हर एक पीड़ा को प्रभु आज आप दूर करना प्रभु, आज ये देखने पाए परमेश्वर कि तू कैसा सामर्थ्य है, आज ये देखने पाए परमेश्वर तू कैसा भला है, आज ये देखने पाए प्रभु तू कैसे इंतजाम करता है, आज ये देखने पाए परमेश्वर तू कैसे दरवाजों को खोलता है, आज ये देखने पाए
मन को इनके तैयार करें, डाइवर्ट करने वाली बातें, नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से इसी समय हम खंडित करते हैं, इसी समय हम दूर करते हैं। पिता आज आप इनके हृदय में आके वास करें मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड फादर, बिकॉज योर नेम इज हायर, योर नेम इज हायर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बीमारी से छुटकारा देगा। जिस बीमारी में आज आप हैं, विश्वास करें कि प्रभु आपको आज इस बीमारी से छुटकारा देगा। प्रभु आपके लिए आज काम करने जा रहे हैं। मरकुस ने यीशु समाचार उसके 10 अध्याय में हम लोग एक अंधे भिखारी के बारे में पढ़ते हैं। वो अंधा भिखारी जन्म से अंधा था और सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। एक दिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे हैं, और जब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ में चल रही थी, वो अंधा भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चेलों ने, लोगों ने उसे चुप कराया, परंतु वो नहीं माना। वो और जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान आज मुझ पर दया कर। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने सोचा कि अगर यीशु मसीह आज चले गए यहाँ से, तो मैं फिर कभी चंगा नहीं हो पाऊंगा। आज वो दिन है जिस दिन मुझे अपनी चंगाई को रिसीव करना है, आज ही वो दिन है जिस दिन मुझे ठीक हो जाना है, और यीशु के अलावा कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। और आज मेरे पास मौका है, जब यीशु मसीह मेरे सामने से होकर गुजर रहे हैं। दोस्तों आज आपके पास भी मौका है। जब बीमारों के लिए प्रार्थना हो रही है, आज आपके लिए मौका है, आज आपके पास मौका है। आप भी विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करें और प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आगे हम देखते हैं, जब वो जोर से चिल्लाने लगा, तब यीशु ने उसके आवाज को सुना और यीशु ने उस अपने चेलों से कहा कि उसे मेरे पास लाओ। दोस्तों आज यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को भी सुनेंगे, आपकी प्रार्थना को भी सुनेंगे। यदि आज आप उसके सम्मुख बैठ जाते हैं और कहते हैं प्रभु तो आज मुझे चंगा कर, आज मुझे चंगा कर, तो निश्चय प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा और आपके आपके ऊपर दया करेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसे बुलाया और वो यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया। उसने अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए, दौड़ करके यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु कि मैं देखने लगूं, प्रभु मैं देखने लगूं, मैं यही चाहता हूं, केवल मैं देखने लगूं। दोस्तों यदि आज आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए, तो प्रभु आज आपको ठीक करेंगे। बाइबल कहती है प्रभु ने उसे उसी समय चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो गया, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हो गया। यदि आज आप विश्वास के साथ बैठते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके विश्वास को देखकर वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। आपके अंदर ये विश्वास होना है कि आज प्रभु मुझे चंगा करेगा, आज प्रभु मुझे चंगा करेगा, वो हीलिंग को मैं आज रिसीव करूंगा, उस वचन को मैं आज रिसीव करूंगा, आज मैं चंगाई को रिसीव करूंगा। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्यकर्म को करेंगे। बाइबल कहती है कि वो चंगा हो गया, उसी समय देखने लगा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। दोस्तों हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो हील करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, तो प्रार्थना कीजिए, आपका प्रभु यीशु मसीह जीवित और जिंदा परमेश्वर है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। उसने 2000 साल पहले कोड़े खाए ताकि आप हर एक बीमारी से छुटकारा पाए, ताकि आप हर एक बीमारी से आजाद रहे, ताकि आप स्वतंत्र हो, ताकि आप उस बंधनों से, उस बीमारी के बंधन से छुटकारा पाए। दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। हमने एक गवाही को सुना कि एक बहन ने कहा कि मैं तब तक प्रभु यहाँ से खड़ी नहीं उठूंगी जब तक आप मुझे चंगा नहीं कर देंगे, और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। दोस्तों मैं आज आपसे कहूंगा, आज विश्वास से इस प्रार्थना को सुने, एक बार नहीं 10 बार इस प्रार्थना को सुने, कई बार प्रार्थना को सुने, प्रभु के सामने अपने विश्वास को रखे, प्रभु मुझे चंगा करो, निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार हमने वचन सुना परमेश्वर, कि खुदावन वो अंधा भिखारी परमेश्वर पिता अपने विश्वास को उसने रखा और उसने चंगाई को पाया परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर पिता ये भाई बहन भी प्रभु विश्वास के साथ बैठे,
चंगाई के लिए प्रभु, छुटकारे के लिए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु, इन भाई बहनों के लिए जो बैठे हैं परमेश्वर, इनके रोग दुर्बलता बीमारियों के लिए परमेश्वर प्रभु आज आप इन्हें छुटकारा दें, आज आप इन पर अपनी चंगाई को उंडे ले परमेश्वर, आज इनके रोगों से इन्हें मुक्त करें परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, आज इनके शारीरिक हर एक समस्याएं यीशु नासरी के नाम से चली जाए मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह प्रभु इसी समय पिता, जितने भाई बहन मेरे प्रभु यीशु मसीह जिनके घुटनों से नीचे प्रभु पैर काम नहीं करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, इसी समय परमेश्वर प्रभु तेरी सामर्थ प्रभु उनके पैरों में उतर आए प्रभु जी, उनके प्रभु घुटनों से नीचे वाले पैर प्रभु यीशु नासरी के नाम से हील हो जाए मेरे प्रभु, यीशु के नाम से चलने लगे प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से चलने फिरने लगे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, आप सामर्थ दे प्रभु कि वो अपने पैरों पर उठ खड़े हो मेरे परमेश्वर पिता, जो भी आज ऐसी हालत में बैठे प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं, हम आज्ञा देते हैं उठ जाओ यीशु नासरी के नाम से, उस हालात से उठो यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तूने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु इन भाई बहनों ने जब इस प्रार्थना को सुना है और ऐसी परिस्थिति में वो है प्रभु वो उठ खड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, तेरी चंगाई को रिसीव किया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जिन्हें प्रभु हार्ट की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके हार्ट की सर्जरी हुई है प्रभु, सर्जरी में प्रभु यीशु मसीह जिनके प्रभु छलने लगे हैं परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी समय परमेश्वर आप उन्हें हील करें परमेश्वर पिता, आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता, बहुत सी बातें प्रभु उन्हें हार्ट में महसूस होती है प्रभु, ब्लॉकेज महसूस होता है प्रभु, बहुत सी बातें प्रभु उनके प्रभु बहुत सी रुकावटें परमेश्वर प्रभु उन्हें लगती है कि हम परेशानी में, हम बीमारी में है मेरे प्रभु, दर्द में, इसी समय प्रभु वो प्रॉब्लम इसी समय यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती प्रभु यदि आज कोई भी कैंसर में पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से वो कैंसर उनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु, आज उन्होंने विश्वास रखा कि आज ये इस कैंसर से हर प्रकार के कैंसर से छुटकारा पाएंगे यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का कैंसर मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ छोड़ दो इनके शरीर को, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें नेक में प्रॉब्लम है प्रभु, नेक की हड्डी में प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाए, थैंक यू लॉर्ड फादर, प्रभु जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, कमर में हमेशा दर्द रहता है यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए, थैंक यू लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जिन्हें स्टमक से रिलेटेड बीमारी है परमेश्वर प्रभु, कॉन्स्टिपेशन रहता है प्रभु, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, हमेशा पेट में दर्द रहता है प्रभु, पेट से रिलेटेड हर एक समस्या यीशु नासरी के नाम से मैं तुम्हें यीशु के नाम से आगे देती हूँ, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, स्टमक हील हो जाए, उसके हर एक पार्ट हील हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, ये कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, हर प्रकार का पेन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, पथरियां गल जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु, जिन्हें स्टोन प्रॉब्लम है पिता यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे पिता, जिन्हें रसोलिया है यीशु नासरी के नाम से रसोलिया नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से उनके सिस्ट नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनकी आंखों में समस्या है प्रभु, वो धुंधला देखते हैं प्रभु, जो देख नहीं पाते प्रभु यीशु के नाम से आज अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखें, हालेलुया मेरे यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनकी आंखें खुल जाए प्रभु, ये देखने लगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आप इन्हें क्लियर विजन दे परमेश्वर पिता प्रभु, आप इन्हें प्रभु देखने की सामर्थ दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इसी समय प्रभु इन आंखों को आज्ञा देते कि वो देखने लगे इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो हकलाते हैं प्रभु, गूंगापन है प्रभु, बोल नहीं सकते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो बोलने लगे यीशु नासरी के नाम से प्रभु, वो तेरे आराधक निकल के आए मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु, इनकी टंग को स्पर्श करे प्रभु, ये बोलने लगे प्रभु यीशु के नाम से, इनकी जीभ को आगे देते कि ये क्लियर बोले यीशु के नाम से मेरे प्रभु, जो सुन नहीं सकते प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आप उनके प्रभु सुनने की सामर्थ को बढ़ाए परमेश्वर, वो सुनने लगे यीशु नासरी के नाम से, धन्यवाद करते प्रभु जिन्हें ब्रेन में रिलेटेड प्रॉब्लम है पिता प्रभु, ने माइग्रेन की प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी है परमेश्वर पिता, हमेशा सर दर्द रहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी इनके सर से निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी, थैंक यू फादर आपने चंगा किया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जिन्हें प्रभु बॉडी में पैरालाइज हो गया परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता प्रभु, खून संचार होने पाए पिता परमेश्वर, उनके प्रभु नसें वर्क करने लगे यीशु मसीह के नाम से, इसी समय पैरालाइज की बीमारी निकल जाओ यीशु।
यीशु नासरी के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं, अधिकार से डांटते हैं, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने भी प्रभु भाई बहन आज डिप्रेशन की बीमारी है प्रभु, वो बहुत प्रभु डीप डिप्रेशन में चले गए परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। प्रभु डिप्रेशन की बीमारी से आप उन्हें बाहर निकाले मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आप उन्हें प्रभु प्रभु मेंटली हील करे परमेश्वर पिता, आप उन्हें हील करे प्रभु, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से और प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते परमेश्वर, उनके हाथ पैर काम करने लगे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, जिनके बॉडी में पानी भर गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आप उन्हें जीवन दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनकी किडनियां खराब हो गई प्रभु, डायलिसिस हो रहा है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करे मेरे पिता, इसी समय आप उन्हें चंगा करे प्रभु, उनकी किडनियों को हील करे प्रभु, आप रिन्यू करे परमेश्वर पिता, आप रिन्यू करने वाले परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्यारे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने छुआ पिता एक एक रोगी को पिता प्रभु, जिन्हें पिता इस समय प्रभु जॉन्डिस हुआ यीशु नासरी के नाम से जॉन्डिस की बीमारी नष्ट हो जाए मेरे प्रभु, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे प्रभु, ट्यूबरक्लोसिस यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, शरीर में सफेद दाग है, यीशु नासरी के नाम से उनकी स्किन हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें डार्क स्पॉट्स प्रभु बॉडी में, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए प्रभु। एलर्जी प्रभु जिन्हें है मेरे प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। फंगल इन्फेक्शन है, यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए। हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की एलर्जी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। शुगर के रोगी चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। आपने प्रभु हर प्रकार के रोग दुर्बलता से आजाद किया, टीबी की बीमारी से प्रभु, एड्स की बीमारी से प्रभु तूने इन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, तूने सामर्थ्य दी प्रभु, अपने लोगों को चंगा किया परमेश्वर पिता, छोटे बच्चों को तूने चंगा किया परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ नौजवानों को तूने चंगा किया परमेश्वर मेरे प्रभु, बुजुर्गों को तूने चंगा किया परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु इन्होंने अपने विश्वास को तेरे आगे रखा है प्रभु, उस अंधे भिखारी की तरह परमेश्वर प्रभु, और उन्हें जिस प्रकार उसने शिफा को पाया उसी प्रकार आज प्रभु तेरे लोगों ने जो विश्वास रखा है खुदा, उसके अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह ये शिफा को पा चुके हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु मेरे प्रभु। मैं नहीं जानती इस समय किस रोग में प्रभु ये बैठे, कौन सी दुर्बलता इनके शरीर में है पिता, क्या प्रभु इनके शरीर में प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से इस समय पिता वो दर्द, वो तकलीफ, वो हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ तूने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ तूने सुधी लिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ तूने प्रभु अपने लोगों को आज दर्द में है, तकलीफ में, जहाँ कहीं भी उन्हें समस्या प्रभु तूने आजाद कर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आई प्रेज यू लॉर्ड फादर, आई प्रेज यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाए। हालेलुया दोस्तों, आज ये ना सोचे कि आप चंगे हुए कि नहीं हुए, होंगे कि नहीं होंगे, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास रख तो वह बच जाएगी। यायर की बेटी मरने पर थी, यायर की बेटी मरने पर थी, वो प्रभु यीशु मसीह को बुलाने के लिए गया कि प्रभु तुम मेरे घर चल, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर, वो ठीक हो जाएगी। जब यीशु मसीह उसके साथ में थे, आधे रास्ते में थे, तभी यायर के घर से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को कष्ट मत दे। जब यायर ने इस बात को सुना तो वो टूट गया होगा, वो डर गया होगा, वो घबरा गया होगा, निराश हो गया होगा, रोने लग गया होगा, उसकी आशाएं टूट गई होंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बुरी खबर को सुनकर तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास कर तो वो बच जाएगी, केवल विश्वास कर तो वो बच जाएगी। यीशु मसीह उसके घर में गए, उसके लिए प्रार्थना की और वो बच्ची बच गई। दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा केवल विश्वास करें, यदि आप विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, परमेश्वर की चंगाई को देखोगे, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखोगे, आप बच जाओगे, आप हील हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। केवल केवल विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्या विश्वास कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, उसके कोड़े
खाने से तुम चंगे हो गए हो। इस वचन को बार बार कहें, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूँ, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूँ। उस जगह पर हाथ रखें जहाँ पर आप बीमार हैं। हम नहीं जानते कि आपको कौन सी बीमारी है, लेकिन आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, पवित्र आत्मा जानते हैं। आप उस जगह पर हाथ रखें और प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। आप कहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी, उस बीमारी का नाम लेके कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह के नाम से बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह के नाम से बीमारी मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए। इन जीसस नेम आप इस प्रकार से उस बीमारी को हटाएं, इस प्रकार से उस बीमारी को आज्ञा दें, इस प्रकार से उस बीमारी से कहें कि यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से चली जाओ। हर प्रकार की बीमारी इस भाई इस बहन के शरीर से जो इसके शरीर में पाई जाती है, यीशु मसीह के नाम से हम तुझे आज्ञा देते हैं इनके शरीर को छोड़कर चली जाओ। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से निकल जाओ। इन जीसस नेम जब आप विश्वास रखेंगे इस बात पर कि आपके लिए प्रार्थना हुई है और आप चंगे हो गए हैं, आपको विश्वास करना है। हालांकि हो सकता है आपको दर्द महसूस हो रहा हो, फिर भी आप दर्द महसूस कर रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि ठीक नहीं हुआ, लेकिन आप विश्वासी ना बने, विश्वासी बने। विश्वासी क्या होता है, वो हर परिस्थिति में विश्वास रखता है, विपरीत समय में विश्वास रखता है। आपको दर्द भी है तब भी आप कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद ये दर्द चला गया, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं चंगा हो गया हूँ। आपको लग रहा है ये वैसे की वैसी परिस्थिति है, तब भी आप कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद मैं ठीक हो गया हूँ। और आज से आप इसी प्रकार रोज प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद। ये आपके विश्वास को दर्शाता है और बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा, जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तेरे लिए होगा। यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, यदि तू विश्वास रखेगा तो तू हीलिंग को देखेगा, चंगाई को देखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे व्यक्ति से कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज आपको विश्वास की आवश्यकता है और विश्वास यही है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, इस वचन के बोले जाने से मैं चंगा हो गया हूँ, इस प्रार्थना के सुनने के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। आप रिसीव करें इन प्रार्थनाओं को अपने लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, आपको हील करेंगे, आपको चंगा करेंगे, आप पर दया करेंगे। दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा उस जगह पर हाथ रखें, उस जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है उस बीमारी को भगाने का, उस बीमारी को हटाने का अधिकार आपको भी दिया है। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो उस पर हाथ रखें, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम को क्लेम करें और वो बीमार चंगा हो जाएगा, वो बीमार चंगा हो जाएगा। हमारा हाथ प्रभु यीशु मसीह का हाथ उसके ऊपर है और आप अपने उस बीमारी की जगह पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के नाम से आप हील हो गए हैं, आप चंगे हो गए हैं, आप ठीक हो गए हैं, आप अपनी हीलिंग को अपने जीवन में देखोगे। यीशु के नाम से आप विश्वास करें इन बातों पर। हालेलुया, थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। सच में मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों ने प्रभु अपनी परिस्थिति के विरोध में प्रभु अपना विश्वास रखा है परमेश्वर, ये विश्वास से प्रभु बैठे हैं चंगाई को रिसीव करने प्रभु, चंगाई छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज प्रभु जहाँ कहीं भी इन्होंने अपने हाथ को रखा है प्रभु, जहाँ कहीं भी इन्हें दर्द है प्रभु, जहाँ कहीं भी बीमारी है प्रभु, जहाँ कहीं भी वीकनेस है परमेश्वर, जो कोई भी इनके घर परिवार में बीमार है प्रभु, इन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु, वो अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु के नाम को क्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आज तेरे नाम को हम क्लेम करते हैं प्रभु जी, इनके बीमारी के विरोध में, इनके दुर्बलताओं के विरोध में, इनके शरीर की हर एक दुर्बलता के विरोध में यीशु नाम को क्लेम करते हैं, तेरे वचन को क्लेम करते हैं। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। यीशु नासरी धन्यवाद प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन इनके बच्चे इनके परिवार के सदस्य हर एक वो बीमार व्यक्ति जो समय सीरियस है प्रभु, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया परमेश्वर, आपने उन्हें चंगा कर दिया है प्रभु। धन्यवाद खुदावन, याईर के पास आई तो थी बैड न्यूज प्रभु, परंतु तूने उसको ढाढस बंधाया। आज प्रभु तेरा वचन भी प्रभु इन भाई बहनों को ढाढस बंधाता है प्रभु, उस बैड न्यूज को, बैड रिपोर्ट्स को, जो कुछ भी प्रभु इनके जीवन में ये बीमारी है प्रभु, इसे नेग्लेक्ट करते हुए प्रभु तेरे वचन को प्रभु क्लेम करते हुए प्रभु, विश्वास करते हुए प्रभु जी ये आज रिसीव करे पिता, ये आज प्रभु चंगाई को रिसीव करने पाए प्रभु। आप रिसीव करें, आज आप चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम।
नाम से चंगे हो चुके हैं। ग्रहण करे प्रभु से कहे धन्यवाद प्रभु, तूने प्रभु मुझे चंगा किया, मेरे बच्चे को चंगा किया, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को चंगा किया, मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ उसको तूने चंगा किया है। अब क्लेम करे यीशु के नाम को। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू फादर। इस समय पिता जब आपने अपने हाथ को प्रभु इन बीमारों के ऊपर रखा, इनके दुर्बलताओं के ऊपर, इनके रोगों के ऊपर परमेश्वर प्रभु तूने चंगा किया परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने छुटकारा दिया परमेश्वर। आज प्रभु इनकी बीमारियों से इन्हें छुटकारा पाए, दर्द से इन्हें छुटकारा पाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम से तूने इन्हें छुटकारा दे दिया परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो प्रभु दुख में, बीमारी में, दर्द में अपने लोगों की सुधि ले। प्रभु तूने सुधि लिया प्रभु इन भाई बहनों की पिता, हाँ प्रभु इनके अविश्वास को तूने हटाया और इन्हें विश्वासी बनाया, इनके विश्वास के द्वारा तूने कार्य किया परमेश्वर पिता। थैंक यू फॉर द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जितनों ने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, प्रभु यीशु तेरे नाम से चंगे हो गए हैं प्रभु, क्योंकि तेरा नाम वहाँ पर काम कर रहा है, तेरे नाम ने प्रभु वहाँ पर कार्य किया है, तेरे नाम ने बड़ी बड़ी गवाहियों को वहाँ पर खड़ा किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रेज यू प्रभु, हर एक की चंगाई के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जितनों ने रिसीव किया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि तूने प्रभु अपने नाम के द्वारा इन्हें चंगा किया परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा सम्मान प्रभु यीशु आपके नाम को देते, और प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों यदि आज आपने इस प्रार्थना को सुना है तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है, और यही विश्वास आपको भी करना है और रोज सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूँ। इस वचन को लगातार रोज सुबह, रोज शाम, हर समय कहते रहे, प्रभु यीशु के कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु मसीह के कूड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूँ, निश्चय उसने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया है। इस प्रकार से आप उसका धन्यवाद करते रहें। जो चंगाई के वचन बाइबल में लिखे हैं, उन चंगाई के वचनों को उठाएं और रोज सुबह शाम उन्हें कहते रहें, कई मिनटों तक बैठकर प्रभु यीशु मसीह का इन वचनों के लिए धन्यवाद करें। रोज सुबह उठें और इन वचनों को कहते हुए अपनी हीलिंग को रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें और रोज धन्यवाद करें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर से चले जाएगी, शुगर, बीपी, थायराइड, हर प्रकार की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, जो भी बीमारी आपके शरीर में है वो चली जाएगी। आप रोज सुबह शाम इस वचन को कहते रहें, प्रभु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया, और उसका धन्यवाद करते रहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया है। आज जब आप बैठे हैं और अब जब आप खड़े उठेंगे तो आपको इस पर विश्वास करना है कि आपके लिए प्रार्थना हुई है और आप ठीक हो गए हैं। अपने विचारों को नेगेटिव ना होने दें कि आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, नहीं, आप कहें मैं चंगा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। प्रभु का धन्यवाद करें कि तूने मुझे स्वस्थ किया है, प्रभु का धन्यवाद करें कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करें मेरा शरीर ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने आपको लंबी उम्र दी है। इस बात के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे लंबी उम्र दी है, मैं तेरा धन्यवाद। सो हम प्रार्थना करते हैं आपके परिवार की हर एक समस्या यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, हर एक दुख यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए, आपके परिवार में शांति, सुख शांति, आशीषें आए, प्रभु अपना मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आपके परिवार पर चमकाए, आपकी रक्षा करे और आपके साथ में बना रहे, आप पर अनुग्रह करे और आपके साथ में प्रभु बना रहे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। That's awesome, fantastic.